हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आपने देखा आज का पहला मैच जबरदस्त मुकाबला रहा, महिलाओं का ये मैच था। मैच के दौरान दोनों ही टीमें अच्छा आक्रमण बनाई एक दूसरे के प्रति, लेकिन बराबरी पर समाप्त हुआ और टाई ब्रेकर का सहारा लिया गया। यहाँ भी कांटों का टक्कर देखने को मिला, लेकिन तारीफ करनी होगी लिज्जा जजारिया जो कि गोलकीपर थी राउरकेला की, अच्छा प्रदर्शन रहा और सेमीफाइनल में प्रवेश दिलाया अपनी टीम को लिज्जा जजारिया ने। और आज अभी दूसरा मैच शुरू होने में कुछ समय बचा हुआ है, तब तक आज हम मुलाकात करेंगे एक बहुत ही खास शख्सियत से जो डब्लू जोन मल्टीपर्पज़ बोर्डिंग स्कूल नगड़ी की वाइस प्रिंसिपल है। तो आज हमारे साथ बनी हुई है अतिथि के रूप में, उनका नाम है प्रियंका विश्वास। मैडम प्रियंका विश्वास, स्वागत है मैडम आपका। धन्यवाद। पहले सबसे पहले तो आपका स्वागत है मैडम हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टूडियो वाला में आपका। मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे, हमने सुन रखा है कि इस मैच के दौरान आपने काफ़ी परिश्रम किया है इस मैदान में, इस टूर्नामेंट के आयोजन के लिए, तो कुछ हमारे साथ साझा करें। इस टूर्नामेंट में हमारा परिश्रम यही रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टीमों को बुला सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जगह दे सके। और ये टूर्नामेंट जो हमारे पिताजी का शुरू किया हुआ है उसको लेकर आगे जा सके। और साथ ही साथ जैसा लड़कियों का प्रदर्शन रहा है पहले दिन और आज दूसरे मैच के दिन, काफ़ी ही अच्छा रहा है। और हम चाहते हैं कि इसी तरह से लड़कियों को बढ़ावा दिया जाए, उनको ग्राउंड दिया जाए ताकि वो आगे जा सके। मैडम, यह लास्ट टाइम हमने देखा सिर्फ पुरुषों का टूर्नामेंट हुआ था, इस बार अचानक महिलाओं का टूर्नामेंट, ये ख्याल कैसे आया आप लोगों को? बस उनको आगे बढ़ाने, आगे बढ़ा, हर क्षेत्र में महिलाएं हैं, बस उनको जगह नहीं मिल रहा आगे आने की। बहुत अच्छा कोशिश है मैडम, और देखा जाए कि दूसरे स्टेट से भी टीमें आई हैं, ये आप लोगों का एक परिश्रम है। और आज के पहले मैच के बारे में कुछ बताइए मैडम, क्या अच्छा लगा आपको? पहला मैच दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला और जिस तरह का प्रदर्शन निशा जजारिया का रहा वो बहुत सराहनीय है। और साथ ही दूसरी गोलकीपर संध्या टोपनो ने भी अच्छा खेला, लेकिन हार और जीत गेम का हिस्सा है और एक को जीतना एक को हारना है, लेकिन इसमें अपने आप को निराश नहीं होने देना है। दोबारा किसी टूर्नामेंट में जाकर वो भी अच्छा प्रदर्शन जरूर करेंगे। मैडम, एक चीज़ और आप हमें बताइए, स्कूल के माहौल से हटकर ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट का माहौल, ये आपके लिए शायद कुछ अलग जरूर रहा होगा, तो इसमें क्या अच्छा है और क्या हमें और करना चाहिए, कुछ सुझाव दीजिए। अलग तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे स्कूल में भी खेल को उतना ही महत्व दिया जाता है, तो ये माहौल बिल्कुल स्कूल का ही है। हमारे बच्चे भी खेलते हैं, हम उनको भी नेशनल्स तक पहुंचा चुके हैं। हमारे स्कूल के कई बच्चे हैं जो फुटबॉल में और दूसरे गेम्स में भी नेशनल तक जा चुके हैं और जाएंगे। मैडम, आपके स्कूल का वो मार्च पास परेड ड्रम, वो नेशनल लेवल के टीम है आपकी? सर, वो दो बार उन्होंने जीता हुआ है नेशनल। और बच्चे हमारे एथलीट भी हैं जो नेशनल लेवल तक जा चुके हैं, फुटबॉलर्स भी हैं जो खेलते हैं, हर गेम में ऑलमोस्ट हमारे बच्चे। मैडम, ज़्यादा समय आपका और नहीं लूँगा, थोड़ा सा हमारे घर पर बैठ कर देख रहे दर्शकों के लिए आप दो सब कुछ कह दें। घर पर बैठे सभी दर्शकों से यही आग्रह करना चाहूँगी कि आज हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, साथ साथ खेल में भी काफ़ी आगे जा रहे हैं, इसलिए उनको उनकी जो इच्छा है उसके अनुसार उनको बढ़ने का मौका दिया जाए, तभी वो खुलकर बाहर आ सकेंगे। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी आपका, आपका थोड़ा सा समय, बहुमूल्य समय हमने लिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी मैडम डब्लू जोन मल्टीपर्पज़ बोर्डिंग स्कूल की वाइस प्रिंसिपल प्रियंका विश्वास जी, इनका साथ हमारे साथ बना रहे, इनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे, हम यही चाहेंगे और हम अच्छे से अच्छा टूर्नामेंट को चला सकें। आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहें, मैच के हर अपडेट्स, हर मैच की हर क्षण हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। विजय जी कैमरा के साथ हमारे साथ है, थैंक यू। विजय जी थोड़ा हाथ दिखाइए।